हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम शुरू करेंगे फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सभी स्कूल्स अभी नहीं लगेंगे पूरे देश में, इंडिया में। तो आप ऑनलाइन कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए और इसको ध्यान से सीरियसली जो अपनी एजुकेशन को वो ध्यान से करना शुरू कर दीजिए। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का प्लस टू का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा शेड्यूल बता देता हूँ कि अब हम डेली में कम से कम हाफ एन आवर फिजिक्स पढ़ेंगे, वो भी ऑनलाइन। तो अपने सभी दोस्त, फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रिलेटेड टू दी वर्ड स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू दी स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रो मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इसमें हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम चार्जेस की स्टडी करेंगे एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद एक टर्म आती है इसमें, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, साथ साथ में आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जो मैं डेफिनेशन बोलता हूं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? जब हम टू बॉडीज को आपस में रब करते हैं, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, देन वहां पे फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होती है। तो जो हीट जो है ये एक एनर्जी है, जो बॉडी का वर्क पोटेंशियल, यानी कि जिसमें जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, वो इजीली ये एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी और वो एक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किस बॉडी पे आएगा? जो लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज। और जिस बॉडी का वर्क पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली से नहीं छोड़ती, उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो बॉडी क्या करती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि हीट, वो जो हीट पैदा हुई है फ्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से जो चार्ज की ट्रांसफर होना, वो एनर्जी गेन करके एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और दूसरी उसको गेन करेगी, इसी टर्म को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद हम इसमें जानते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो किसी बॉडी को, किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं, वो इसमें हम जानेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन। कंडक्शन मेथड के बारे में तो हम जानते ही हैं, कंडक्ट होना, कंडक्शन। कंडक्शन के लिए हमें चाहिए कंडक्टिंग पाथ, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और उसको हमने एक कंडक्टिंग पाथ से, यानी कि किसी कॉपर वायर से या किसी और कंडक्टिंग मटीरियल से, किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ अटैच कर दिया, तो ये चार्ज क्या है? ये ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द कंडक्शन पाथ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ये चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को ट्रांसफर होगा। ये न्यूट्रल बॉडी कौन सा चार्ज गेन करेगी? पॉजिटिव चार्ज का। और यहां पर क्या है? ये फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है, बॉडीज को आपस में ज्वाइन किया गया है, उस रास्ते के थ्रू ज्वाइन किया गया है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें जो नेचर ऑफ चार्ज है वो सेम नेचर का चार्ज आता है जो चार्ज बॉडी हमने साथ में अटैच की है। तो सेकंड इज द इंडक्शन। इंडक्शन में जो है वो बॉडी के अंदर ही चार्ज उत्पन्न होता है, उसका अपना ही खुद का चार्ज हो जो आगे आता है। इसमें हमें कंडक्शन की लोड नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्स्ट हमारे पास है एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो उसके साथ हमने रख दी एक अनचार्ज्ड बॉडी, ये हमने स्टैंड पे लगा दिए, इंसुलेटेड स्टैंड्स पे। तो ये अनचार्ज्ड बॉडी जो है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है, उसका सारे का सारा जो नेगेटिव चार्ज है, ये उसका जो सारे का सारा नेगेटिव चार्ज है वो आ जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहां पर हम फिजिकल बॉडी को फिजिकली किसी पाथ से नहीं जोड़ रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज ओनली अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गया है इस मेटेलिक बॉडी का। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ, यानी कि रिपेल हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज से, वो दूसरी तरफ
इकट्ठा हो जाएगा। तो अब हम अगर इसकी इस एंड को अर्थ कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा अर्थ को, और बॉडी पे ओनली क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव बॉब को भी हटा लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी पे। तो दिस इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन दी बॉडी। इस तरीके से हम किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इंडक्शन में जो ये चार्ज है ये एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं है इस बॉडी से, इस बॉडी से ये ट्रांसफर नहीं हुआ है चार्ज, इसके अंदर ही उत्पन्न हुआ है, इसी को इंडक्शन बोलते हैं। और इंडक्शन में जो चार्ज है ऑलवेज ऑपोजिट नेचर का क्रिएट होता है, ऑलवेज ऑपोजिट नेचर का इंडक्शन में चार्ज क्रिएट होता है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो आपके काम आने वाली हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को जानने से पहले हम एक एटम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल कैसे होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के इक्वल नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं अनचार्ज्ड पार्टिकल, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द उन ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में से, मान लीजिए इसमें चार प्रोटॉन थे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी चार ही होंगे, तो इसमें से हमने अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो बॉडी गेन करेगी पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिया बाहर से, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो बॉडी गेन करेगी नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है किसी बॉडी पे। तो ये चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको पता ही है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज जो है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड वर्ड का मीनिंग क्या है, कि दुनिया में जितना भी चार्ज है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ना ही कोई हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तो चार्ज ओनली ट्रांसफर होता है एक बॉडी से अदर बॉडी को। अगर हम कोई भी केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, इसकी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो उसमें अगर आप एटोमिक नंबर सारे ऐड कर लेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तो वो इक्वल ही निकले। That means, जो चार्ज है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जो चार्ज है रिमेंस कांस्टेंट अगर कोई भी रिएक्शन होती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का, यानी कि एक यूनिवर्स का जो चार्ज है वो रिमेंस कांस्टेंट, ओनली ट्रांसफर होता है चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज, तो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की के इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का क्या मीनिंग है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिसकॉन्टिन्यूज रूप से निकलता है किसी बॉडी से। दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज के छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, वो छोटे पैकेट्स को, बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा, किसी बॉडी पे जब भी चार्ज आएगा, इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताती है, चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी is equal to the plus minus n into e, where n is the integer, n is any integer। तो n की वैल्यू को हम 0, n is 0, 1, 2, 3, so on, कोई इंटीजर होगा इसकी वैल्यू। तो प्लस माइनस मैंने काउंट कर लिया कि नेगेटिव नंबर्स ना हमें लिखने पड़े, तो 0, 1, 2, 3 एनी नंबर होगा, पॉइंट्स में नहीं हो सकता कोई रियल नंबर, जैसे कि 3.3, 2.2, ये पॉसिबल नहीं है। तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, विच इज इक्वल टू द 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। बट जब हम न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू का ओनली मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, और अगर कोई बॉडी लॉस कर रही है इलेक्ट्रॉन्स तो उसका चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर कोई बॉडी गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स देन उसका चार्ज नेगेटिव होगा। तो
इसका मीनिंग मोटा मोटा अगर हमने समझना है तो ये बताना चाहता है कि जब भी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उनका एक पर्टिकुलर नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा। तो ऐसे नहीं हो सकता, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज की मेजर ये तीन प्रॉपर्टीज थी, और चौथी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं चार्ज की, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, तो सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं, एडिटिव इन नेचर। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है तो उसमें तीन चार चार्जेस हैं, क्या वन, क्या टू, क्या थ्री, क्या फोर, सो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो उस पे टोटल चार्ज हो गया क्या होगा, वो क्या होगा, क्या वन प्लस क्या टू प्लस क्या थ्री प्लस क्या फोर। तो सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैनोट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो चार्ज मास के बिना वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, चार्ज एक मटीरियल बॉडी पे होगा, एक मटीरियल पार्टिकल पे होगा, आइदर वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन। तो ये चार्ज की मेजर जो थी वो प्रॉपर्टीज थी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करते हैं, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, तो साथ साथ में आप नोट्स बनाइए क्योंकि ऑनलाइन अब क्लासेस आपकी जो चलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स ने हमें क्या बताया है, तो वो हम इस में समझेंगे, इस टॉपिक में। तो कूलम ने बताया है हमें, सॉरी, अगर हमारे पास टू पॉइंट चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर, तो उनके बीच की जो दूरी है वो है आर, आर डिस्टेंस दूर है एक दूसरे से। हमने मान लिया ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, एक ही नेचर के हैं, तो उनके बीच वाली डिस्टेंस आर है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, दे विल रिपेल ईच अदर। अगर वो लाइक चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर विद सम फोर्स विच इज इक्वल टू दी एफ, एंड दिस फोर्स के बारे में उसने बात की है कूलम ने। तो कूलम ने ये अपने लॉ में बताया है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं, एंड ये दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या हैं, रेस्ट पे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग ही यही है कि ये चार्जेस एट रेस्ट हैं, तो जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद द फोर्स एफ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के, ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर देंगे तो उसके प्रोपोर्शनल होगी। जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था प्लस वन में, तो वैसा ही ये कुछ सरलता मिलता है उसके जैसा ही ये एक लॉ है कूलम्स का। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चार्जेज के बीच में जो दूरी है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को डबल करेंगे ये फोर्स 1/4 हो जाएगी, अगर हम डिस्टेंस को 3 times कर देंगे तो ये फोर्स 1/9 times हो जाएंगी। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो ये हमने ये नोट कर लीजिए साथ में, जो ये ग्रेविटेशन की फोर्स भी थी वो भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी, कूलम्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स है ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और जो मैग्नेट के बीच वाली फोर्स होती है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। बट जो न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर जिनकी रेंज बहुत छोटी होती है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज हम उसे बोलेंगे 1/4 pi epsilon, उसको के बोलेंगे, पहले स्मॉल लेटर के लिखना आप। तो ये जो स्मॉल लेटर के है, दिस इज इक्वल टू दी, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ये 1/4 pi epsilon है। तो 1/4 pi epsilon ये के है क्या, एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग समझेंगे पहले, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, वैक्यूम की और फ्री स्पेस की ये परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम और फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो इसकी ये फोर्स को रिड्यूस करने के काम आती है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है ये फोर्स के इफेक्ट को कम करती है। तो अगर हम किसी मीडियम में रखेंगे ये दोनों चार्जेस के बीच में, हमने कोई वाटर फिल कर दिया, कोई ऑयल फिल कर दिया, तो ये इसकी परमिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, अदर कांस्टेंट आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो ये इस फोर्स के इफेक्ट को कम करेगा।
तो ये मोटा मोटा आपने ये समझना है, जब प्रिमिटिविटी है वो फोर्स को, फोर्स के इफेक्ट को कम करती है, चार चीज के बीच फोर्स के इफेक्ट को कम करती है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट्स इसके साथ होंगे, 9 × 10⁻⁹ होगी इसकी वैल्यू K की। तो ये वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, फॉर ए वैक्यूम F इज इक्वल टू दी 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ की एक फॉर्म है। तो कूलम्स लॉ के साथ ही में एक टॉपिक हम करेंगे आज ही इसी वीडियो में, तो दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज के यूनिट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट भी कूलम ने अगर इसके बारे में बात की है तो उसके नाम पे ही इसके यूनिट रखे जाएंगे। तो उसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। इसको डिफाइन करेंगे हम, 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। तो 1 कूलम क्या चार्ज है, किसको हम 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। अज्यूम करते हैं इफ एफ इज इक्वल टू दी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, अज्यूम करते हैं क्या वन इज इक्वल टू दी क्या टू इज इक्वल टू क्या एंड आर इज ए 1 मीटर एंड ये तो दोनों चार्ज हैं क्या हैं, ये वैक्यूम में एक दूसरे से सेपरेटेड हैं 1 मीटर। तो हमारी ये क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सभी वैल्यूज को अब हम इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, तो सभी कैंसल वगैरह करके ये क्या स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो क्या की वैल्यू आ गई ±1 कूलम। तो ये ±1 कूलम क्या चार्ज है, उसको अब हम इसी से डिफाइन करेंगे। 1 कूलम एक ऐसा चार्ज है जो अपने जैसे ही, 1 कूलम एक ऐसा चार्ज है जो अपने जैसे ही 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा विद ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, जब वह अपने जैसे चार्ज से वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पे पड़ा होगा। 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इन ए वैक्यूम व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इन ए वैक्यूम व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो अपनी भाषा में भी आप जैसे भी इसको तोड़ मरोड़ के लिखना है लिख सकते हैं। तो 1 कूलम वही चार्ज है जो अपने जैसे चार्ज को रिपेल करता है इतनी फोर्स से इतनी डिस्टेंस पे जब सेपरेटेड होगा इन ए वैक्यूम। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो सिंपली अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या इसको हम बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन द मीडियम, जिस मीडियम का ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन ए वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम। तो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, तो इसकी रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आएगा कहाँ पे, तो अगर हमारे एफ मीडियम की हमने वैल्यू निकालनी है, दो हमने ये दो चार्जेस जो थे कूलम्स ला के उनको हमने एक वाटर में प्लेस कर दिया, किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, तो एफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नीचे आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी थी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए सर्टेन मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K दिया हुआ है। तो इसके नेक्स्ट अब हम एक और टॉपिक इसी वीडियो में करते हैं, तो दैट इज द, नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आसानी से।
तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अब हमारी जो ये एमरजेंसी के टाइम पे ये यही चलेंगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये तो सिंपल है थोड़ा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त हमने क्या करना है, फोर्सेस लेनी है। तो दो फोर्सेस होंगी, तो सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस हम अज्यूम कर रहे हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो आर वन पोजिशन वेक्टर पे हमारा पड़ा है क्या वन, आर वन पोजिशन वेक्टर पे हमारा पड़ा है क्या वन चार्ज। तो आर टू पोजिशन वेक्टर पे हमारा पड़ा है क्या टू चार्ज। दोनों ही चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेम नेचर के हमने अज्यूम कर लिए हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करते वक्त तो हमने ये जो डिस्टेंस है इसके मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया है आर, इसके मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया है आर, आर मान लिया है इसके मैग्नीट्यूड को। तो यहां से हमने एक यूनिट वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर लिया, तो ये यूनिट वेक्टर है वन से टू की तरफ, यूनिट वेक्टर आर वन टू, कैप डाला है आर पे, कैप डाला है वन टू टू, यूनिट वेक्टर है। तो सेकंड यूनिट वेक्टर इज आर टू टू वन, आर टू वन। तो ये यूनिट वेक्टर्स ध्यान से देखिए, यूनिट वेक्टर होता क्या है, इट ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ये हमको ओनली डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन किधर को है। इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, यूनिट वन होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो जो फर्स्ट चार्ज है उस पर फोर्स लग रही है F12, F12 इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज, एंड Q2 पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F21। F21 क्या है, फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। वन टू की वैल्यू लिख रहे हैं, पहले वन टू का आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। वन टू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, आर टू वन, आर टू वन इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वन टू, आर टू वन ये वाला यूनिट वेक्टर। अब हम यहां पर लिखेंगे ये वाला आर टू वन, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने मान लिया है फर्स्ट इक्वेशन। देन हम अब हम निकल रहे हैं F21, दैट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। F21 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, दैट इज F21 की दिशा में कौन सा यूनिट वेक्टर है, R12, आर वन टू है इसकी दिशा में। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं आर वन टू आर टू वन, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ओपोजिट है। तो वन टू को अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ द आर टू वन। ऐसे हमने क्यों लिखा, बिकॉज दोनों की जो डायरेक्शन है वो ओपोजिट है। डायरेक्शन को ओपोजिट जब हम रखते हैं, दोनों वैक्टर्स को इक्वल करते हैं, जो जिनकी वैक्टर्स की डायरेक्शन ओपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो वहां पर हम नेगेटिव साइन डालते हैं। तो इसकी वैल्यू को आर वन टू को अब हम यहां पर पुट करेंगे टू इक्वेशन में। तो हमें ये हमारे पास ये बन जाएगा तो ये माइनस साइन को अब हम आगे ले आएंगे, तो ये हमारा बन गया F12। तो ये हमारा कुछ न्यूटन्स लॉ जैसा, थर्ड लॉ जैसा दिख रहा है, इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस।
ये कूलम्स फोर्सेस जो लग रही हैं चार्जेस पे, ये इक्वल हैं एंड ओपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस हैं, ये इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस। जो इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस होती हैं, ये ऑलवेज क्या होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस मीन्स क्या है, सेंटर पे लगती हैं चार्ज के सेंटर पे लगती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं ये, तो ये दोनों इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस हैं। तो नेक्स्ट, इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू दी चार्जेस एट रेस्ट, एंड कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू दी आर्बिट्रेरी शेप बॉडीज, इट कैन बी ओनली अप्लाइड टू दी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इट कैन, तो से ये वीडियो शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऑनलाइन कोचिंग के साथ ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू।